आज पूरे विश्व में जिन आर्यों ने इस यज्ञ को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, मिलकर किया, संगठित होकर के किया, मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आपने न केवल अनुशासन का परिचय दिया है बल्कि आपने पूरी मानवता के उपकार का एक बहुत महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ किया है और इस यज्ञ की परंपरा को छोड़ना नहीं है। आर्य बंधुओं, पूरे विश्व के कोने कोने में आपने आज यज्ञ करके वास्तव में पुरानी वैदिक जो हमारी जो परिपाटी है यज्ञों की, उसको पुनः स्थापित करने का काम किया है और इसके द्वारा हर इंसान का कल्याण और उसका उपकार करने का कार्य किया है। आप बहुत बहुत साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से मिलकर आगे भी हम सब लोग इस संक्रमण में, इस महामारी में मानवता के कार्य के लिए, मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। सब आर्यजन संगठित होकर इस कार्य को करें, इस भावना और आशा के साथ मैं पुनः आज 3 मई को पूरे विश्व में किए गए इस सामूहिक यज्ञ के, जो हमारे आर्यजनों ने या अन्य लोगों ने जो यज्ञ से जुड़े हैं, यज्ञ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जिन्होंने भी इस यज्ञ को आज किया है, उन सबको मैं आर्य समाज की जो सर्वोच्च बॉडी है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा और संपूर्ण आर्य जगत की ओर से, सभी सन्यासी महानुभावों की ओर से, सभी विद्वानों, उपदेशकों और गुरुकुलों के आचार्यों की ओर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ और आशा रखता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह के आह्वान पर, अपील पर हम सब लोग मिलकर मानवता के कल्याण के कार्यों में आगे बढ़कर, बढ़ चढ़कर भाग लेते रहेंगे। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम, ओम शम। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में सुमंत्र, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य में आयुर्वेद का कमाल देखना, ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब।